हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 14 फरवरी 2020। आज का करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक जो रहेंगे पर डे की तरह रहेंगे, मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा, वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी जो कि डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, स्पेशल नॉलेज में हम कुछ स्पेशल डिस्कस करेंगे, स्टेट में कल की तरह हम गोवा डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके में तेलंगाना नेशनल पार्क्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो रहेंगे कल की क्लास वाले रिपीटेड रहेंगे, बिकॉज अब हमने सोच लिया है आपको याद कराना ही है। तो आपको टू डेज़ जो भी सीरीज़ हुआ करेगी, स्टैटिक, स्पेशल और स्टेट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये 2 डेज़ रिपीट किया करेंगे जिससे आपको याद होता चले जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा वॉच करना है एंड तक, ओके। मोटिवेशन कोड देख लेते हैं क्या है। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये 4 लाइनें हैं और बहुत ही बड़ी लाइनें हैं। ये संघर्ष की राह पर जो चलता है, जो अपनी परेशानियों को नकारते हुए आगे बढ़ते जाता है, अपनी तैयारी को निरंतर करते जाता है, चलते जाता है, और अपनी रातों में जो रातें की नींद जो होती है उन्हें ख़राब करके अपनी पढ़ाई को निरंतर करते जाता है, तो सुबह जैसे सूर्योदय होता है, जैसे सनराइजिंग होती है, वैसे ही उनका भविष्य जो है सफल मनुष्य के रूप में बन जाता है, ठीक है। ऐसा करते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि आप मेहनत कीजिए, एक ना एक दिन आप सूर्य की तरह अवश्य चमकेंगे, ठीक। वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया है, 11 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का सहभाग पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो ये भी 11 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो रहेगी वो रक्षा से रहेगी। स्वदेशी रूप से विकसित सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका वजन 6.8 किलोग्राम है, उसका नाम क्या है, तो वह जो है भावा कवच है। इसे स्वदेशी रूप से मतलब इसे भारत में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जो भारत के साथ 1.867 अरब डॉलर की अनुमानित लागत तक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सौदा करेगा। तो अमेरिका है जो कि भारत के साथ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सौदा करने वाला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अजय बारियर नामक सैन्य अभ्यास 13 फरवरी से 26 फरवरी तक सॉलिसबरी प्लेन नामक जगह पर आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा ग्रेट ब्रिटेन के लिए। इसके क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, अजय बारियर जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वह किन किन देशों के मध्य है, तो भारत और ग्रेट ब्रिटेन के मध्य ये सैन्य अभ्यास हुआ है। 2020 का जो सैन्य अभ्यास है किस जगह पर हुआ है, तो सैलिसबरी प्लेन नामक एक जगह है ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पर ये आयोजन हुआ है, ठीक है। इसमें 120 सैनिक ने पार्टिसिपेट किया है, 13 फरवरी से 26 फरवरी तक ये आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा अर्थव्यवस्था से रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि बैंकों को MSME उद्योग, वाहन और घरों के लिए इतने साल के लिए या कितने साल के लिए 31 फरवरी से 30 जुलाई के बीच दिए जाने वाले नए ऋणों पर नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने साल तक, 5 साल तक, 31 जनवरी से 30 जुलाई के बीच दिए गए ऋण नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, ये भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो इसके जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के, वो सभी को याद होंगे, शक्तिकांत दास हैं, और अभी नवनियुक्त जो डेप्यूटी गवर्नर हैं उनका नाम है माइकल डी पात्रा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देख लेंगे। माइग्रेटरी स्पेसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम विषय रहा है। इस विषय के तहत वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण पर समझौता के 13वें सम्मेलन जो हुआ है COP 13 का आयोजन 17 से 22 फरवरी के दौरान किस देश में होने जा रहा है। अब एक बात नहीं, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। एक तो ये कि जो COP 13 का आयोजन हुआ है, इसका फुल फॉर्म होगी वो होगी वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण पर समझौता, इसका एडिशन कौन सा है, 13वां सम्मेलन है, और इसकी विषय क्या रही है, मतलब इसकी थीम क्या रही है, तो माइग्रेटरी स्पेसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम, ओके। तो ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज होगा,
तो ये 17 से 22 फरवरी तक किस देश में होगा? हमारे देश भारत में। भारत में कहाँ पर होगा? गुजरात के गांधीनगर में। और गुजरात का गांधीनगर आप सभी को पता है क्या है, कैपिटल है गुजरात की। गांधीनगर ही निर्वाचन क्षेत्र है हमारे गृह मंत्री, गा से गृह मंत्री, गा से गुजरात, गुजरात में ही गांधीनगर गा से आता है। तो ऐसे आप कनेक्ट करके, रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण पर समझौता के COP 13 का लोगो किस कला से प्रेरित है? अब जो COP 13 ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उसका एक लोगो लॉन्च किया गया है, तो वो किस कला से प्रेरित है? तो वो कोलाम कला से प्रेरित है। ओके, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण पर समझौता के COP 13 के लिए शुभंकर क्या है? तो उसके लिए शुभंकर है गिवी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज जो रहेगी, राष्ट्रीय न्यूज रहेगी, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका नया नाम कर दिया गया, मतलब इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। और अगर पूछ लिया गया राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1993 में इनकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का उद्घाटन 11 फरवरी 2020 को किस शहर में किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ऐसे जल महोत्सव के नाम से टीवी में भी एडवर्टाइज आ रहा है, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा ये महोत्सव वहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार भारत में आयु पाँच वर्ष से नीचे की आयु की मृत्यु दर कितनी है बच्चों में? तो अब यूनिसेफ जो है उन्होंने क्या किया है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें क्या है कि भारत के अंदर जो पाँच वर्ष से नीचे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर बताइए तो कितनी है। 1000 जब जन्म होते हैं तो 37 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो ये यूनिसेफ का एग्जिस्ट डेटा है, तो इसे याद रखिएगा। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हेनरिटा H4 जो है इसके अध्यक्ष है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख विभाग के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी किए जाने की सबसे अधिक घटना किन शहरों में देखी गई है? अब एक अपराध अभिलेख विभाग है, उन्होंने क्या किया है कि एक रिपोर्ट लॉन्च की है जिसके अनुसार उन्होंने बताया है कि महिला और बच्चों की तस्करी है इन दो शहरों में बहुत ज़्यादा की जाती है, एक तो सर्वप्रथम मुंबई के अंदर और दूसरी कोलकाता के अंदर। ओके, तो ये दोनों सिटीज़ के नेम आपको याद रखना है, मुंबई क्या है महाराष्ट्र की कैपिटल और कोलकाता क्या है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। और कोलकाता से क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता जो है वो बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यकाल में नवनियुक्त मुख्य समन्वयक कौन है या किसे नियुक्त किया है? तो रविंद्र वाइकर जो हैं उन्हें महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, वहाँ पर CM आप सभी को पता है उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने नवनियुक्त मुख्य समन्वयक नियुक्त किए हैं, तो उनका नाम क्या है? रविंद्र वाइकर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 10 फरवरी 2020 को ओडिशा उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो स्टार लगाकर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उच्च न्यायाधीश हैं और ओडिशा के उच्च न्यायालय में इन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही। ओके, तब ओडिशा की बात कर लेते हैं कि ओडिशा जो है उसकी कैपिटल क्या है, तो वो तो सभी को पता ही होगी, ओडिशा की कैपिटल जो है वो है भुवनेश्वर। ओके, तो भुवनेश्वर कैपिटल है। उसके बाद ओडिशा में जो व्यूलर द्वीप है उसका नाम कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम दी द्वीप। और चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है ओडिशा की, उसमें अभी पिनाक और ब्रह्मोस QRES मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये आपके लिए करंट के क्वेश्चन से बन जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा के अगर CM पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बता देंगे नवीन पटनायक जी, अगर वहाँ के राज्यपाल पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे गणेशी लाल जी। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ओडिशा से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओडिशा में कौन सा तूफ़ान आया था? फोनी और तितली तूफ़ान जो है वो ओडिशा के अंदर आया हुआ था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और
खेलो इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ के गेम होंगे वो भुवनेश्वर के अंदर होंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेलो इंडिया के जो गेम्स हुए हैं अभी वो तो हुए हैं अभी गुवाहाटी के अंदर, अगर यूनिवर्सिटी की बात पूछी जाएगी तो आप तुरंत बताएंगे भुवनेश्वर के अंदर वो गेम होंगे। ओके, अब खेल से संबंधित क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। वह भारतीय कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की तरफ से 2019 FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर महिलाओं के रूप में नामित किया गया है? तो उनका नाम है लालरे मसियामी और ये 19 वर्ष की महिला, क्या मतलब तो बच्ची किशोरी कह सकते हैं, तो ये महिला वर्ग में इन्हें नामित किया गया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ये मतलब उभरते सितारे के रूप में इन्हें जो है अवार्ड से नामित किया गया है। अब वह भारतीय कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की तरफ से 2019 FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में किसे नामित किया गया? तो उनका नाम है विवेक सागर प्रसाद और यह भी 19 वर्ष के हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है, दोनों बच्चे जो हैं वो 19 वर्ष के हैं और इन्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हासिल हो रही है। तो आप लोग भी जागिए, थोड़ा अपने दिमाग को जागरूक कीजिए, इतने बड़े हो गए हैं तो कुछ ना कुछ हासिल कीजिए, जो बच्चे छोटे छोटे वो इतना अचीवमेंट हासिल कर रहे तो हम लोग तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 में पुरुष संघ वर्ष जो वर्ग है उसका विजेता कौन सी टीम हुई है? तो वो टीम जो हुई है वो है लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर रेड। ओके, तो लद्दाख से आपको तुरंत माइंड में ब्लिंक करना चाहिए, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को यूटी बना दिया गया है। लद्दाख के अंदर दो जिले हैं, लेह और कारगिल, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राज्य विशेष से रहेगा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ विजेता पक्ष कौन सी पार्टी रही है? ये सभी को क्वेश्चन पता है, सभी लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, इतना तो सभी को पता होगा, केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 70 में से उन्होंने 63 जगह जीत ली है, मतलब 63 सीटों पर इनकी जीत हुई, तो इसका मतलब अब केजरीवाल जी पुनः फिर से सीएम बन जाएंगे। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां के पूछे जाएंगे तो आप तुरंत बताएंगे अनिल वैजल जी, ठीक है। और 239A जो आर्टिकल है वो दिल्ली के अंदर यूज होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिल्ली कौन से हिल पर पहाड़ी पर स्थित है? तो आपको याद रहना चाहिए रायसीना जो हिल है उस पर जो दिल्ली है अवस्थित है। कभी कभी लोग कह देते हैं मेट्रो की वजह से दिल्ली खोखला हो चुका है, इसी वजह से, क्योंकि दिल्ली एक पहाड़ी पर बसा हुआ है जिसका नाम है रायसीना हिल, और उसे जब हम मेट्रो बनी अंडरग्राउंड तो उसे खोद वगैरह के सुरंग वगैरह बना के मेट्रो बना दी गई, तो इसका मतलब दिल्ली खोखली हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना है? तो उसका नाम है गौरेला पेंद्रा मरवाही। बिलासपुर से अलग होकर 3 तहसील 3 विकासखंड 166 ग्राम पंचायत और 222 गाँव और 2 नगर पंचायत। अब ये सब बातें तो जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए तो इम्पोर्टेंट हो गई, पर अगर हम अगर SSC या स्टेट लेवल UP में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा बना? अभी तक छत्तीसगढ़ के 27 जिले थे, तो अब 28वां जिला बना है गौरेला पेंद्रा मरवाही, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो रायपुर यहाँ की हो जाएगी कैपिटल, नया रायपुर को अटल नगर के नाम से जाना जाता है, ये सभी को पता होगा। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर आदि महोत्सव मनाया गया था, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य ऐसा है जहाँ पर गार्बेज कैफ़े खोला गया, इसका मतलब ये होगा कि जैसे कचरा लेकर आओ और आपको एक थाली वहाँ पर खाना मिलेगा कचरा के बदले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार के नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त तो कौन है? तो वो हैं कट्टा शेखर रेड्डी, गुगु लोथ शंकर नायक, सईद खलीलुल्ला, मायदा नारायण रेड्डी और मोहम्मद आमिर, ये सभी जो हैं राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नवनियुक्त कर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना की कैपिटल आप सभी को पता ही है हैदराबाद है, और तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 में 29वें राज्य के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि कावेरी मुखभूमि क्षेत्र को संरक्षित विशेष क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा? तो ये जो तमिलनाडु सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो कावेरी मुखभूमि क्षेत्र है उसे संरक्षित करने के लिए
कृषि क्षेत्र जो है घोषित कर दिया है। ओके, तमिलनाडु की कैपिटल आप सभी को पता ही है, चेन्नई होती है, इसे पहले मद्रास कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तटीय विनिमय क्षेत्र शासन के तहत 2130 बैक वाटर द्वीपों को लाया है? तो जो केरल सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो 2130 बैक वाटर द्वीप हैं उन्हें इन्होंने क्या कर दिया, शासन के तहत ले आए हैं, विनिमय क्षेत्र शासन के तहत। तो ये किस किस बात किस राज्य की बात हो रही थी, केरल की। अब केरल की बात करेंगे तो केरल के स्टेट पोर्शन के बारे में आप जान लीजिए। केरल की कैपिटल आप सभी को पता है थिरुवनंतपुरम है, ठीक है, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। ओके, और केरल जो है का जो डांस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है केरल का डांस जो है कथकली, वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर केरल की बात करेंगे तो यहाँ पर राजभाषा होती है मलयालम। अगर राजकीय पशु पूछ लिया गया तो शेर पूंछ बानर जो होता है वो यहाँ पर होता है राजकीय पशु। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जो राजकीय पक्षी हैं वो यहाँ पर दो हैं, एक तो भृंगराज और द्विपुक्ष अंगारक है। जिला अगर केरल के अंदर पूछे जाएंगे तो 14 जिले आ जाएंगे केरल के अंदर, ठीक है। और अगर पूछे जाएंगे जो पेरियार वन्यजीव विहार है, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल है, पेरियार वन अभयारण्य इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी जो है, तो उपग्रह ट्रैकिंग और रेंजिंग केंद्र जो है वो सब आपको केरल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ की विधानमंडल अगर पूछी जाएगी तो एक सदनात्मक है, विधानसभा की सदस्य जो हैं वहाँ पर 141 हैं। और अगर राज्यसभा की बात की जाएगी तो वहाँ पर 9 सीटें आ जाती हैं। राज्य गठन दिवस आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 को राज्य गठन दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या अगर केरल की पूछी जाएगी, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, तो मल्लमपुरम जो है वहाँ पर है। और अगर पूछी जाए कि जो अरब सागर की रानी है उसे किसे कहा जाता है, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। सस्टाम कोटा जो झील है वह भी केरल में मिलेगी, कोचीन केरल का बंदरगाह भी है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मुल्ला पेरियार डैम जो है वो भी आपको केरल के अंदर मिलेगा, एराविकुलम नेशनल पार्क आपको केरल के अंदर मिल जाएगा, साइलेंट वैली पिन वैली ये सभी आपको केरल के अंदर मिल जाएंगे। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई हैं उनसे संबंधित सामान्य ज्ञान देखते हैं। किस व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से हर साल विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है? तो हकीम अजमल खान जो कि भारत यूनानी चिकित्सक थे, इनके जन्मदिवस के उद्देश्य से भारतीय वो जो विश्व यूनानी दिवस है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो वो थे हकीम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1986 को भारतीय मानक विभाग की स्थापना हुई। और मुख्यालय अगर पूछा जाएगा भारतीय मानक विभाग का तो नई दिल्ली में बता देंगे, 1986 में इनकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार इस वर्ष से वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों पर संरक्षण समझौता पर हस्ताक्षर के लिए हस्ताक्षर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो 1983 में पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण समझौता कन्वेंशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल या CMS या वॉन समझौता, यह इस पर हस्ताक्षर किए गए थे नवंबर 1979 में और प्रभाव में आ गया था 1 नवंबर 1983 में। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर हमें यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आई बटन में ऊपर जो भी वीडियो दिए होते हैं उन्हें भी आप देखने की कोशिश किया कीजिए, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होते हैं। आप चैनल पर सर्च कीजिए, जो भी छोटे छोटे वीडियोज़ हैं 3-4 मिनट के, उन्हें भी आप देखिएगा, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं, ठीक है। आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। इससे क्या होगा कि आपका काफ़ी बेनिफिट भी होगा और आप पढ़ेंगे, आपके साथ साथ आपके मित्र भी पढ़ते जाएंगे। ओके, और आप हमारे Facebook और Insta पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे TikTok हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, Twitter और ShareChat अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप अगर Dailymotion वेबसाइट यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते, ऑडियो सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे खबरी ऐप चैनल पर भी हमारी ऑडियो क्लिप सुन सकते हैं करंट अफेयर्स की पर डे, और उसको भी आप लाइक शेयर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी जो भी पीडीएफ है वो आपको तुरंत वहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या रहेंगी। डैन डेविड पुरस्कार 2020, डैन डेविड पुरस्कार 2020 दिया गया है, तो इसमें देखिए किन को क्या दिया गया। तो भारत की अग्रणी नारीवादी विद्वान और कार्यकर्ता गीता सेन ने जनसंख्या नीतियों, जनन और यौन स्वास्थ्य, गरीब महिलाओं के अधिकारों, श्रम बाजारों और वैश्विक शासन के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है। सुश्री सेन इस वर्ष वर्तमान श्रेणी में $1 मिलियन का पुरस्कार देवोरा डेनिस के साथ साझा करेंगी, जो इंटरनेशनल प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन पश्चिमी गोलार्ध क्षेत्र के लिए अधिकार और न्याय इकाई के उप निदेशक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर सम्मेलन। अब जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उनकी तस्करी पर निपटने के लिए एक सम्मेलन किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक निर्णायक दृष्टिकोण अपना रही है। यह नई दिल्ली में बिम्स्टेक देश के लिए मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने का एक सम्मेलन के दौरान कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 81.67 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे। अब दिल्ली में भी इलेक्शंस हुए हैं, तो यहाँ पर चुनावी बॉन्ड जो है उन्हें सेल किया गया है, तो 81.67 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए थे। कमोडोर लोकेश बत्रा द्वारा दायर एक RTI प्रश्न के उत्तर के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान SBI की विभिन्न शाखाओं द्वारा 81.67 करोड़ रुपए के 139 चुनावी बॉन्ड जीते गए। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को धन देने के लिए 1,000 रुपये से 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड पेश किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौता में संशोधन किया गया है। 12 फरवरी 2020 को भारत और श्रीलंका के बीच दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत एक दुरुपयोग रोधी प्रावधान को शामिल किया जाना है, साथ ही संशोधन में प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट भी शामिल होगा। इससे कर नियमों में अंतराल का फायदा उठाने वाली रणनीतियों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलेगी। तो क्या हुआ है कि श्रीलंका के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते पर संशोधन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा उपकरण संशोधन अधिनियम, जो भी नियम है 2020 का, तो सभी चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और प्रभावकारिता के कुछ मानकों को पूरा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 फरवरी 2020 को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मनुष्यों या पशुओं पर उपयोग किए जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों को औषधि के रूप में अधिसूचित किया जाता है। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है। सभी चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता और मानकों को पूरा करने के लिए क्या किया है केंद्र सरकार ने, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने, औषधि प्रसाधन अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मनुष्य पशुओं पर जो भी उपकरण प्रयोग होने हैं सभी को औषधि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। मतलब कुछ भी मेडिकल से संबंधित कुछ भी यूज करेंगे तो उसे सभी को औषधि के रूप में उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। स्पेशल नॉलेज की बात करेंगे, 2019-20 में आए तूफान से संबंधित देश, इसे हम पढ़ा भी चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आज हम इसका रिवीजन करा देते हैं। जो बुलबुल तूफान आया था ओडिशा में आया और बंगाल में आया और बांग्लादेश में आया। हेगी भी तूफान जो आया था जापान में। तालीम तूफान भी जापान में आया। डोरियन तूफान जो है वो उत्तरी वैमास अमेरिका में आया था। वायु तूफान जो है गुजरात में आया। फोनी और तितली जो तूफान था वो ओडिशा के अंदर आया। उस्मान और सांबा जो तूफान था वो फिलीपींस के अंदर आया। पावुक और थाईलैंड की खाड़ी का जो तूफान पावुक तूफान जो था थाईलैंड की खाड़ी में आया। माइकल रिले गाजा अमेरिका में आया था। और सिमरोन क्रॉस टॉमी जो है तूफान वो जापान के अंदर आया था। अल्बर्टो तूफान जो है अलबामा फ्लोरिडा व मिसिसिपी में आया था। और मुकुंद सागर जो तूफान है वो यमन की खाड़ी में आया था, ठीक है।
स्टैटिक जो स्टेट है उसमें हम गोवा को डिस्कस करेंगे कल की तरह। गोवा की कैपिटल आप सभी को पता होनी चाहिए, पणजी है। और सबसे बड़ा शहर अगर गोवा का पूछा जाएगा तो वास्को दे गामा। जिले अगर गोवा के पूछे जाएंगे तो दो हैं, राजभाषा है कोंकणी और गठन है 30 मई 1987। राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो कि भाजपा पार्टी से आते हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 40 हैं और राज्यसभा की एक सीट है और लोकसभा की दो सीट हैं। राज्य दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जो गोवा लिबरेशन डे है। 19 दिसंबर 1961 को इसका जो पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया गया था, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, राजकीय पक्षी अगर गोवा का पूछा जाएगा तो धामरा होगा। राजकीय पशु अगर पूछा जाएगा तो मूसक मेरग होगा। ठीक है, नदियाँ जो हैं गोवा की वो हैं मांडवी, जौरी, तरेखोल, चपोरा और बैतिल। वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे या वन्यजीव बिहार की, तो बोंडला, कोतीगांव, मोलेम और डॉक्टर सलीम अक्षी अली पक्षी उद्यान जो है वो भी आपको नहीं मिले, मतलब कि जो है वन्यजीव प्राणी बिहार है जो वो आपको गोवा के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, स्वदेवन अनुसंधान केंद्र जो है वो है समुद्र विज्ञान संस्थान जो है, नेशनल सी साइंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको वहीं पर मिलेगा गोवा के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है वो भी आपको गोवा में मिल जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो भी आपको गोवा में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके में तेलंगाना के नेशनल पार्क्स जो हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। मृगावानी नेशनल पार्क ये कहाँ है, चिलकोर तेलंगाना में है। महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क है, वह भी आपको हैदराबाद में मिलेगा। काशु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो हैदराबाद में है। भाग्यनगर नंदना वानाम पार्क कहाँ है, तो वो आपको तेलंगाना के अंदर मिल जाएगा। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क है, वो भी आपको तेलंगाना के अंदर मिलेगा। अब बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा के पैदा होने के कारण क्या होता है। तो सूर्य तथा चंद्र का गुरुत्वाकर्षण जो होता है जन्य प्रभाव होता है, इस वजह से समुद्र में ज्वार भाटा जो है उत्पन्न हो जाता है। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी होती है रवात। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 नवंबर 1993 में। आधुनिक पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो राजा राममोहन राय को आधुनिक पिता पुनर्जागरण के पितामह के रूप में जाना जाता है। देव समाज से कौन संबंधित था, तो केशव चंद्र सेन जो है देव समाज से संबंधित थे। ठीक है, सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा होता है, तो जो ग्रेगेरियन कैलेंडर है सबसे पुराना कैलेंडर है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो वो बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि टेम्पल जो है किस शासक ने बनवाया था, तो वो बनवाया था धर्मपाल ने। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, तो वो हैं अरविंद घोष। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो वो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके स्टेट स्पेशल नॉलेज के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप को भी फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। खबरी ऐप पर आप हमारी ऑडियो सुन सकते हैं और हर जगह आपको हमारा अकाउंट तैयारी बिगनर्स की के नाम से प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, आप ही का उसमें बेनिफिट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी करना मत भूलिए। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने सपनों का और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक अपने मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके।